हेलो मेरे प्यारे बच्चों कैसे हैं आप आज हम लोग करने जा रहे हैं महाराष्ट्र बोर्ड का सुलभ भारती थर्ड स्टैंडर्ड का पोयम नंबर है सेवन चला मोजूया ये एक पोयम है कविता है गाना है चला मोज़ूया मतलब चलो गिनती करते हैं काउंट करते हैं गिनती करते हैं स्टार्ट करती हूँ एका मणा मोज़ू चला मोज़ू चला अंक गेव मद तीला मतलब चलो गिनते चलो गिनते चलो अंक मतलब नंबर्स की मदद से अंक गिनती गिनती करते चलो गिनती करते चलो अंक मतलब नंबर्स की मदद से गिनती करते चलो एक कान कपाला ये देखिए यहाँ पे ये इसको कान बोला जा रहा है एक मतलब ये कप जिसमें हम लोग चाय पीते हैं उसको एक ही कान है देखिए यहाँ पे देखिए यहाँ पे बोल रहा है एक कान मतलब एक कान ईयर मतलब कान मतलब ईयर कपाला मतलब कप को एक ही कान होता है दोन कान मसाला मतलब आदमी को मारसाला मतलब आदमी को दो कान ये देखिए एक ये दो दो कान होते हैं मतलब कप को एक कान होता है ये वाला और आदमी को दो कान होते हैं तीन चाके रिक्शाला चाके का मतलब है व्हील्स ये देखिए वन टू पीछे होता है थ्री मतलब यहाँ पे तीन जो है व्हील्स रिक्शा को होते हैं चार पाए हतीला ये देखिए वन टू थ्री फोर मतलब हाथी मतलब एलिफेंट को चार पाए मतलब पैर होते हैं रिक्शा को तीन व्हील्स होते हैं और हाथी को चार पैर होते हैं पांच बोटे पायला मतलब ये देखिए यहाँ पे टोज जो उंगली होती है ना पैर की उंगली टोज उसको बोल रहे हैं बोटे मतलब पाँच उंगली होती है पैर में हमारे पैर में कितनी उंगली होती है जिसको टोज बोला जाता है हमारे पैर की पाँच उंगली होती है सहा कोन छठकोणाना मतलब ये देखिए ये षटकोण होता है उसको सिक्स मतलब सिक्स कितने होते हैं कॉर्नर्स कौन मतलब कॉर्नर्स ये देखिए वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स यहाँ पे देखिए षटकोण को कितने कॉर्नर्स हैं सिक्स कॉर्नर्स हैं षटकोण सात रंग इंद्रधनुष्याचे मतलब ये देखिए सात मतलब सेवन सेवन कलर्स होते हैं रेनबो में इंद्रधनुष्चे मतलब रेनबो में सेवन कलर्स होते हैं आठ पाए कोड़िया छे. कोड़िया मतलब ये ये देखिए यहाँ पे स्पाइडर होता है ना मकड़ी जो जाल बूनती है उसको आठ पैर होते हैं मकड़ी को आठ पैर होते हैं और रेनबो में सात कलर्स होते हैं नऊचा पुड़े मोजाए मतलब नाइन के बाद पुड़े मतलब आगे पुड़े का मतलब है आगे नाइन नऊ मतलब नाइन नाइन के आगे बोलता है गिनती करो शून्य गेऊँ सोबतीला मतलब ये बोल रहा है कि नाइन के आगे जब हम लोग काउंट करेंगे ना तो शून्य देंगे वन में तो टेन बन जाएगा मतलब नाइन के आगे गिनती करने के लिए हमें जीरो को देना पड़ेगा और वन के आगे तो टेन बन जाएगा तो यहाँ पे हमारी कविता हो गई आगे देखते हैं पाहा एका मणा वाचा ये यह देखिए यहाँ पे जो नंबर्स हैं उसके साथ लिखा हुआ भी है बॉक्स में हमें पढ़ना ये देखिए शून्य है ज़ीरो मराठी में ज़ीरो को बोलते हैं शून्य यहाँ पे एक ये देखिए नंबर भी लिखा हुआ है और यहाँ पे नीचे दो दो न यहाँ पे तीन है तो मराठी में भी इसको तीन बोलते हैं यहाँ पे चार है तो मराठी में भी इसको चार बोलते हैं ये देखिए पाँच तो मराठी में इसको पाँच बोलते हैं छ छ होता है ये हिंदी में और मराठी में उसको बोलते हैं सहा और ये देखिए सात यहाँ मराठी में भी इसको सात बोलते हैं ये देखिए आठ मराठी में भी इसको आठ बोलते हैं ये नौ है हिंदी में नौ बोलते हैं मराठी में नौ बोलते हैं नौ अब ये है दस हिंदी में दस बोलते हैं मराठी में दहा बोलते हैं तो वापस अब मैं एक बार पढ़ लेती हूँ शून्य एक दोन तीन चार पाँच सहा सात आठ नौ दहा तो यहाँ पे हमारी गिनती दस तक हो गई मराठी में बच्चों फड़े ओड़खा नावे सांगा फड़े मोज़ा संख्या लिहा यहाँ पे मतलब फ्रूट्स हैं यहाँ देखिए सब में फ्रूट्स हैं उसको काउंट करना है नावे नाव बताने हैं काउंट करना है और लिखना भी है ये देखिए यहाँ पे जो सर्किल बने हुए ना यहाँ पे हमें नंबर लिखना है अब पहला पहला है कलिंगड़ ये इंग्लिश में उसको वाटर मेलन बोलते हैं मराठी में कलिंगड़ यहाँ पे एक ही है तो हम लोग यहाँ पे जो है एक नंबर लिख देंगे यहाँ पे एक उसके बाद ये पपई है पपैया कितने हैं काउंट करो वन टू तो यहाँ पे हम लोग सर्किल में टू लिख देंगे ठीक है यहाँ पे जैक फ्रूट फणस तो यहाँ पे काउंट करेंगे वन टू थ्री तो यहाँ पे हम लोग थ्री डाल देंगे बच्चों यहाँ पे है एप्पल सफ़रचंद बोलते हैं जिसको मराठी में काउंट करेंगे बच्चों वन टू थ्री फोर तो यहाँ पे हम लोग ये फोर नंबर दे देंगे देखिए मराठी में फोर ऐसे लिखते हैं उसके बाद है यहाँ पे सीताफल इस इंग्लिश में बोलते हैं कस्टर्ड एप्पल और मराठी में सीताफल तो अभी यहाँ पे देखेंगे काउंट करेंगे वन टू थ्री फोर फाइव ये फाइव है तो हम लोग मराठी का फाइव हम लोग लिख देंगे यहाँ पे काउंट करके आगे बढ़ते हैं यहाँ पे देखिए मैंगो है काउंट करेंगे आम आम बोलते हैं मराठी में ये देखिए काउंट करो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स तो हम लोग सिक्स मराठी का यहाँ पे लिख देंगे यहाँ पे देखिए लिख दिया ठीक है यहाँ पे अभी पेरू है तो पेरू को काउंट करेंगे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन तो मराठी का जो सात है वो हम लोग यहाँ पे बच्चों लिख देंगे सात उसके बाद ये चीकू है तो हम लोग देखेंगे काउंट करेंगे बच्चों वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट तो ये मराठी में उसको आठ बोलते हैं तो आठ ऐसे हम लोग मराठी कार्ड यहाँ पे हम लोग लिख देंगे ठीक है उसके बाद ये केड़ी है बनाना जिसको इंग्लिश में बनाना बोलते हैं मराठी में केड़ी वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन तो मराठी में इसको नऊ बोलते हैं नौ तो ये मराठी का हम लोग नऊ डाल देंगे ठीक है अब इसको काउंट करेंगे कितने हैं वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन ये टेन है तो मराठी में इसको बोलते हैं दहा तो यहाँ पे हम लोग मराठी का दस लिख देंगे स्वाध्याय आगे चलिए करते हैं स्वाध्याय जोड़िया जुड़वा मतलब मैच द कॉलम मैच द कॉलम होता है ना वो करना है यहाँ पे देखिए चित्रे यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स हैं चीज़ें हैं यहाँ पे नंबर्स हैं और ये नंबर नेम्स हैं उसकी स्पेलिंग है ये तरफ देखिए नंबर है ये तरफ कोई चित्र है और यहाँ पे उसके नंबर की स्पेलिंग है तो हमें जोड़ के बनाना है अब यहाँ पे देखिए चित्र में कुछ भी नहीं है खाली है खाली मतलब शून्य तो यहाँ पे देखिए ये ज़ीरो है जीरो को मराठी में बोलते हैं शून्य तो ये यह यहाँ से हम लोग ऐसे करके जोड़ेंगे अब शून्य की स्पेलिंग देखिए यहाँ पे देख रहे हैं शून्य की स्पेलिंग तो यहाँ से उसको शून्य को स्पेलिंग इसके साथ जोड़ना है पिक्चर के साथ जोड़ना है दूसरा देखते हैं देखिए ये यहाँ पे किया हुआ है ये पिक्चर में एक ऑब्जेक्ट है एक सामा चीज़ है तो यहाँ पे एक के साथ देखिए जुड़ा हुआ है और ये इसकी स्पेलिंग है मराठी में इसको एक का बोलते हैं तो हमें भी ऐसे करके बच्चों जोड़ना है चलिए चल देखते हैं क्या ये पेन है देखिए दो पेन है तो यहाँ पे दो किधर है यहाँ पे यहाँ से लेके हम लोग लाइन खींचेंगे दो तक ठीक है उसके बाद दो का जो स्पेलिंग है मराठी में दो को बोलते हैं दोनों देखिए यहाँ पर दोनों के साथ हमें जोड़ना है दोनों के साथ हम लोग जोड़ देंगे उसके बाद हम लोग देखते हैं यहाँ पे कितने ऑब्जेक्ट्स हैं वन टू थ्री थ्री बुक्स है तो हम लोग देखेंगे थ्री कहाँ पे है ऊपर देखिए मुझे दिख रहा है यहाँ पे थ्री ये थ्री के साथ जोड़ेंगे ये देखिए यहाँ पे थ्री के साथ जोड़ेंगे उसके बाद थ्री है ना काउंट किया अब उसकी स्पेलिंग किधर है तीन मराठी में उसको बोलते हैं तीन ये देखिए यहाँ पे तीन की स्पेलिंग है हम लोग इसके साथ जोड़ देंगे ठीक है आगे देखते हैं यहाँ पे काउंट करते हैं वन टू थ्री फोर यहाँ पे फोर हो गए ऑब्जेक्ट्स तो हम लोग इसको मिलाएंगे फोर के साथ ये देखिए यहाँ पे मुझे फोर दिख रहा है फोर के साथ मिलाएंगे और यहाँ पे फोर मराठी में इसको बोलते हैं चार ये देखिए चार यहाँ पे दिख रहा है चार के साथ हम लोग इसको मिला देंगे ठीक है उसके बाद हमें यहाँ पे दिख रहे हैं बॉल्स पांच काउंट करेंगे वन टू थ्री फोर फाइव पांच बॉल्स दिख रहे हैं तो ये बॉल्स के साथ हमें यहाँ पे पांच ये नंबर है आपको दिख रहा है पाँच नंबर ये देखिए इसके साथ मिला देंगे उसके बाद पाँच लिखा हुआ कहाँ है वो देखेंगे हम लोग मराठी में बोलते हैं उसको पाँच तो यहाँ से देखिए इसको स्पेलिंग के साथ मिला देंगे पाँच उसके बाद देखेंगे हम लोग इरेजर हैं इरेजर काउंट करेंगे वन टू तो थ्री फोर फाइव सिक्स तो सिक्स है ना सिक्स नंबर देखिए कहाँ पे ये देखिए यहाँ पे मिलाएंगे उसके साथ और सिक्स को मराठी में बोलते हैं सहा ये देखिए स्पेलिंग है सहा की इधर मुझे दिख रही है उसके साथ मैं मिलाऊंगी ठीक है उसके बाद यहाँ पे पेंसिल दिख रही है काउंट करेंगे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन यहाँ पे सेवन पेंसिल्स दिख रही है और यहाँ पे नंबर देखिए कहाँ पे ये देखिए ऊपर यहाँ पे ये देखिए यहाँ पे सेवन नंबर है यहाँ पे मिलाएंगे मैं उसके साथ मिला दूंगी सेवन नंबर के साथ उसके बाद स्पेलिंग देखेंगे कहाँ है सात बोलते हैं मराठी में सेवन को सात बोलते हैं ये देखिए मैं यहाँ पे इसको सात के साथ मिला दूँगी उसके बाद काउंट करेंगे हम लोग स्टार्स हैं वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट कितनी है एट है तो यहाँ पे आठ है ये देखिए यहाँ से हम लोग लाइन ये आठ यहाँ पे दिख रहा है मुझे यहाँ पे मिला दूंगी और उस तो मराठी का आठ यहाँ पे है उसको मैं मिला दूँगी यहाँ पे अभी देखिए ऑब्जेक्ट्स काउंट करेंगे हम लोग कैसे काउंट करें देखिए वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन नाइन ऑब्जेक्ट्स हैं तो नाइन यहाँ पे मुझे दिख रहा है मैं नाइन के साथ मिला दूँगी और मराठी में उसको बोलते हैं नाइन को नऊ तो ये यह देखिए यहाँ पे नौ के साथ मैं जोड़ दूंगी नौ के साथ मिल गया उसके बाद यहाँ पे कलर्स दिख रहे हैं काउंट करते वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन यहाँ पे टेन कलर्स दिख रहे हैं नंबर देखिए टेन कहाँ पे ये देखिए ऊपर ये टेन जो नंबर है यहाँ से मैं कलर्स के साथ मिला दूंगी पिक्चर के साथ और मराठी में उसको बोलते हैं दहा उसका नंबर ये देखिए नंबर स्पेलिंग देखिए यहाँ पे दहा तो उसके साथ मिला दूंगी तो हम लोग ने ये जो मैच द कॉलम था बच्चों कर लिया यहाँ पे जो चला मौज़ू या गिनती करनी थी वो हम लोग ने पोयम कर ली और उसका स्वाध्याय भी कर लिया तो बच्चों कैसे लगा मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए जैसे दूसरे बच्चे भी उसका फ़ायदा उठे और प्लीज़ बेल आइकन दबा दीजिए जैसे मैं कुछ भी वीडियो नए डालूं तो आपको पता उसका लगना चाहिए और आपको कुछ और पढ़ना है तो कमेंट बॉक्स में मुझे लिख कर भेजिए थैंक यू सो मच बच्चों बाय